देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने व पहचान दिलाने के लिए देहरादून में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं जनजाति शोध संस्थान एवं संग्रहालय उत्तराखंड ने 11 से 13 नवंबर तक उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें उत्तराखंड की 5 जनजाति थारू, बोक्सा, जौनसारी, राजी व भोटिया के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। आयोजन में पहले दिन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव का शुभारंभ किया व महोत्सव परिसर में प्रदर्शनी स्थल पर जनजातीय क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस दौरान मंच से सभी लोक कलाकारों ने सीएम धामी व सभी विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत किया। 5 जनजातियों ने अपना लोक नृत्य कर कार्यक्रम में 4 चांद भी लगा दिए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों का संबंध जनजाति संस्कृतियों से रहा है। उनका प्रयास है कि स्थानीय उत्पादों को बाजार मिले, साथ ही लोक संस्कृति को बढ़ावा मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सीएम धामी के प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड के अंदर जनजाति महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ की जो हमारी 5 जनजातियाँ हैं, जौनसार भावर की, हमारे राजी क्षेत्र की, हमारे धारचूला मुनस्यारी और हमारा जो तराई का क्षेत्र है जहाँ भोटिया जनजाति, बुक्सा जनजाति, राजी जनजाति, कुंवर, हमारे सभी जनजातियों के साथ साथ पूरे देश भर के जनजातियों का यहाँ पर समागम हो रहा है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि एक तो लोकल फॉर वोकल जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो शुरू किया है, उसके साथ साथ जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले बहुत सारे उत्पाद हैं उनको एक अच्छी बाज़ार मिले। जो उत्पाद वो बनाते हैं उसका उनका माल सीधे सीधे बाज़ारों में सप्लाई हो, लोगों तक पहुँचे। इन सारे जनजातियों का यहाँ पर समागम हो रहा है इस महोत्सव के माध्यम से। इस आयोजन में जो मैं देख रहा हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक लक्ष्य रखा है कि हमारी आदि संस्कृति और आदि संस्कृति के आधार पर जो बरसों से छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसको नए तरीके से प्रस्तुत करते हुए वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य को पूरा करते हुए हम सशक्त बनाएं और सक्षम बनाएं और भारत आत्मनिर्भर भारत बने। तो उसी कड़ी में यह आयोजन हुआ है और मैं मानता हूं कि यह आयोजन बहुत प्रेरित करने वाला होगा, सबके लिए लाभदायी होगा और आने वाले दिनों में इसका लाभ पूरे उत्तराखंड के समस्त नागरिकों को मिलेगा। वहीं महोत्सव में लगे अलग अलग स्टॉलों में एक से बढ़कर एक हस्तशिल्प उत्पाद जनजातीय व स्वयं सहायता समूहों ने तैयार किए हैं, जो कि इको फ्रेंडली के साथ साथ बेहद गुणवत्ता से पूर्ण है। वहीं महोत्सव में एकलव्य विद्यालय संग्रहालय ने प्रदर्शनी भी लगाई है, जिसमें उत्तराखंड के कई उत्पाद व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का बेहतर प्रयास किया जा रहा है। तो एकलव्य विद्यालय के द्वारा जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे हमारे साथ कुछ बालिकाएं मौजूद है, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रूपांशी तोमर। रूपांशी, आप एक गेटअप में नजर आ रही है, उत्तराखंड की जनजाति की ये वेशभूषा है, दर्शकों को बताएं। ये जौनसारी जनजाति की वेशभूषा है और ये सभी जौनसारी लोग जो है ये हमारे यहाँ पे गहने वगैरह ये सब पहना जाता है और ये हमारा पूरा कल्चर का ड्रेसअप है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगाई गई हैं प्रदर्शनी में, क्या इन्हें आप सीख के बनाते हैं? ये बनाई नहीं जाती, ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज उसका इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो वो हम लोगों ने जमा करी है, जो भी हमारे घर पर हुआ करती थी वो सब हम लेके आए हैं यहाँ पर जमा कर देते हैं। मेरा नाम स्वाति नेगी है। कौन सी क्लास में है? 11th में। यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि जमा की हुई चीज़ें यहाँ पे हैं, कैसा लगता है? क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पूर्वजों के द्वारा रखी गई थी और आज आप उन्हें संग्रहित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे स्कूल से मीन्स ये मतलब एक स्कीम काइंड ऑफ है कि मतलब हम म्यूज़ियम के उस पर, मतलब ये अभी फर्स्ट लेवल पर हम अभी जमा करेंगे, उसे बाद में
ताकि वो बड़े म्यूजियम के उसमें आए, तो मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है कि एंटीक पीसेज हैं तो लोग बाहर से आते हैं इसे देखने के लिए, तो मतलब बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम ये हमारे स्कूल ने की है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ सोनम चौहान एंड आई एम फ्रॉम कालसी जौनसारी ट्राइब से हैं और हम यही प्रेजेंट करने आए हैं सब यहाँ पे। एक सुंदर गेटअप आपने पहना हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पे जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको एकत्रित करके रखा जा रहा है, कैसा लगता है क्योंकि उत्तराखंड की चीज़ें हैं? मैम हमें मतलब प्राउड फील होता है कि हमारे जो मतलब पुराने जो पहले यूज़ किए जाते थे वो अभी भी संभाले हुए हैं आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उनको दिखाने के लिए कि ये सब पहले यूज़ किया जाता था। जैसे अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मतलब पुरानी चीज़ों को लोग भूल रहे हैं, तो याद रखने के लिए जैसे म्यूज़ियम में रखी जाती है। उत्तराखंड जनजाति महोत्सव की 3 दिनों तक धूम रहेगी। पहले दिन मंच का संचालन हीना जोशी क्षेत्रीय ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, सांसद नरेश बंसल, विधायक हरबंस कपूर, खजान दास, जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष मूरत राम शर्मा, जनजाति कल्याण के सलाहकार रामकृष्ण रावत, सचिव एल फेनई, निदेशक SS टोलिया आदि उपस्थित रहे। संवाद 365 के लिए रेणु प्रीति की रिपोर्ट।